नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका घर और मगी चैनल में। और मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आपने इस चैनल पर कभी ना कभी मशरूम का कोई वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे मशरूम के वीडियो बनाए हैं और आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला था। इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि ऑयस्टर मशरूम, जिसको ढिंगरी मशरूम कहते हैं, उसको आप बिना बीज लगाए कैसे घर पर ग्रो कर सकते हैं, वो भी बिना पॉलीथीन के, केवल आप क्रेट में उगा सकते हैं, कोई भी आपके पास कंटेनर पड़ा है उसमें आप उगा सकते हैं, प्लास्टिक के ग्रो बैग की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं पूरा प्रोसेस, और आपको अपडेट के साथ इस वीडियो में हम पूरा हार्वेस्टिंग तक का दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो ये देखिए, जो अभी हम आपको मशरूम दिखा रहे थे, जो हमने ये टांगे हुए थे इनको कमरे में, वो हम उठा लाए हैं वहाँ से, कमरे से, और छत पर लेकर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए जो मशरूम है वो सूखने लगे हैं, और ये पॉलीथीन जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं ऑयस्टर मशरूम की, लगभग 15 से 20 दिन लगातार हार्वेस्टिंग हर दूसरे तीसरे दिन मिलती है। और उसके बाद ये देखिए, इसके जो पैकेट हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, इनमें सफ़ेद सफ़ेद ये पूरा फंगस दिख रहा है अंदर। तो अब आपको क्या करना है, ये देखिए एक तरीका और था जो हमने आपको बताया था, ये इस तरीके से आप पॉलीथीन को हटाकर भी पानी दे सकते हैं, और जब आप हटाकर पानी देते हैं तो मशरूम अच्छे निकलते हैं, लेकिन वो मॉइस्चर जल्दी सूख जाता है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, आपको बिना बीज लगाने का तरीका बता रहे हैं कि बिना बीज लगाए आप कैसे मशरूम दोबारा ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो भूसा है ये अंदर से अभी भी इसमें नमी बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें नमी है। तो इसको अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ये सूख जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर हम दोबारा फिर से इसको ग्रो करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये एक हमने क्रेट ले ली है ये प्लास्टिक की, और इसमें एक त्रिपाल का टुकड़ा काट कर हमने डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर बोरी या प्लास्टिक की सीट जो है वो भी यूज कर सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो। और यहाँ देखिए जो पैकेट हैं इनको हम इस तरीके से काटेंगे, काटने के बाद इसका जो भूसा अंदर का है वो हम पूरा निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी रखनी है, आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारे जब पैकेट हम लगाते हैं, मशरूम उगाते हैं, तो बहुत सारा जो पैकेट होते हैं वो अगर नमी ज़्यादा उनमें हो जाती है तो वो भूसा जो होता है वो सड़ने लगता है और वो ख़राब हो जाता है। तो उसको आपको बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो दोबारा आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, बस इतनी ही सावधानी इसमें रखनी होती है। और जहाँ यहाँ देखिए एक काम और करना है आपको, जो पैकेट आपको लग रहे हो कि इसमें नमी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन भूसा अच्छी कंडीशन में है, मशरूम का जो फंगस है वो अच्छा ग्रोथ किया हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद दिखे आपको ऊपर से, तो उसको आप सबसे पहले नीचे डालिएगा ताकि नमी नीचे बनी रहे, क्योंकि ऊपर से हम पानी स्प्रे कर सकते हैं, और नीचे आपको कोई होल नहीं करना है, कहीं भी कुछ नहीं करना है। अभी आपको दिखाते हैं हम पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए 4-5 पॉलीथीन हम काट कर चलिए ऐड कर लेते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भूसा आप ये जो पॉलीथीन से निकाल के आप ऐड करेंगे, इसमें डालेंगे, तो उसको आप थोड़ा हाथों से मसल के डालिएगा, ताकि इसमें जो बड़े बड़े ढेले हैं भूसे के वो ना रहें, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, हम चलिए ऐड करते रहते हैं, जो इसका सफ़ेद पोर्शन मशरूम के जो फंगस जो डेवलपमेंट होता है वो भी आपको साथ में डालना है, तभी ये ग्रो होता है, लेकिन आपको दोबारा बीज का खर्चा आपका बच जाएगा। अगर आपने एक बार मशरूम की खेती की है या मशरूम घर पे उगाया है, तो आप उससे दो बार आप मशरूम घर पे अपने उगा सकते हैं। तो ये तरीका आपको जो बता रहे हैं ये आपको फॉलो करना है इस तरीके से। दोस्तों, अगर शुरुआत के वीडियो जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था वो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में वो वीडियो मिल जाएगा आपको, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि मशरूम उगाने का जो बेस्ट समय होता है वो आपको अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का होता है। दोस्तों, कंट्रोल कंडीशन में तो आप कभी भी कर सकते हैं, पूरा साल आप मशरूम की खेती कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल रूप से आप अगर प्राकृतिक करना चाहते हैं एकदम, आपको कोई लागत नहीं लगानी है, आपको एसी वगैरह नहीं लगाना है, तो आप जो जाड़े का मौसम होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का, उसमें ही सबसे बेस्ट होता है, बहुत ही लागत भी कम आती है। लेकिन आप दोबारा जो ये मशरूम आपको ग्रो करना हम बता रहे हैं, ये आप फरवरी से मार्च तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। अगर आप मार्च के शुरुआत में भी कर देंगे तब भी जो है आपको मशरूम हार्वेस्टिंग करने के लिए मिल जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने डाल दिया है, जिसमें सबसे कम मॉइस्चर था उसको हमने सबसे ऊपर डाला है, और इसके बाद हम स्प्रे मशीन से सिंपल पानी जो है एकदम नॉर्मल वाटर उसका स्प्रे कर रहे हैं। इसमें कोई भी केमिकल कुछ भी नहीं मिलाना है, कोई खाद नहीं मिलानी है, बस नॉर्मल आपको पानी से स्प्रे करना है, और थोड़ा सा हाथों से इसको खोल के चलाना है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, और उसके बाद फिर से आपको स्प्रे करना है ताकि मॉइस्चर ऊपर जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में हो जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हाथों से चला देंगे और फिर से स्प्रे करेंगे ताकि मॉइस्चर अच्छा बन जाए। और फिर हम एक पॉलीथीन लेंगे, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेनी है, जो भी आपके पास घर में हो। अगर आपके पास पॉलीथीन नहीं है तो आप बोरी भी ले सकते हैं, लेकिन
पॉलीथीन से दिखता रहता है कि इसमें नमी है या नहीं है और फंगस का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो भी दिखता रहता है, इसलिए हम ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगाएंगे। पॉलीथीन लगाने का एक फ़ायदा और मिलता है कि इसमें जो मॉइस्चर उड़ता है वो भी इसी के अंदर रह जाता है, तो ना आपको बार बार पानी सिंचाई करनी नहीं पड़ेगी। और इसको कुछ नहीं करना है, आपको कमरे में रख देना है, सिंपल, अंधेरे में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर बल्ब लगा होगा तो थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। चलिए आपको दिखाते हैं आगे का अपडेट। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आज 28 से 30 दिन हो चुका है हमको ये इस ट्रे में लगाए हुए, तब से हमने इसमें एक बार भी पानी का स्प्रे नहीं किया है। लेकिन अगर आप फरवरी के बाद लगाएंगे या फरवरी में लगा रहे हैं इसको, तो फिर आपको पानी स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि तब टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसमें आप इस पॉलीथीन को धीरे से हटाकर इसमें पानी दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखिए बाहर ले आए हैं क्रेट को, अब आपको दिखाते हैं यहाँ अच्छे से और समझाते हैं। ये देखिए, इसका जब दोबारा आप ग्रो करते हैं तो फंगस थोड़ा देर से डेवलप होता है, लेकिन जो मशरूम निकलता है वो काफ़ी बड़े साइज़ के निकलते हैं। ये देखिए इस तरीके से मशरूम जो है बहुत निकल रहे हैं किनारे किनारे, और अभी भी यहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है इसमें। ये देखिए पानी की बूंदें बीचों बीच में सब दिख रही हैं। तो अगर आपको लगे कि पानी का मॉइस्चर इसमें नहीं है, पानी नहीं दिख रहा है, तो आप बाटल से स्प्रे करते रहें बीच बीच में हर चौथे पाँचवें दिन, ताकि इसमें नमी बनी रहे। अगर एक बार ये सूख जाएगा तो फिर मशरूम दोबारा नहीं निकलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप नमी बनाए रखें इसमें, और आपको कुछ नहीं करना है। वैसे हमने तो इसमें कोई पानी नहीं दिया है, अगर आप जनवरी तक इसको दोबारा लगाते हैं तो आपको कोई भी पानी देना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आसानी से बिना कुछ किए हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से बहुत सारे मशरूम अभी निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी जानकारी पाने के लिए। तो ये देखिए हमने हार्वेस्टिंग कर ली है और इसकी बनेगी सब्जी। तो चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।